ठीक है, चलो देखो बेटा आज फिर से एक स्टार्टिंग चैप्टर, कौन सा नेम है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की हो सकती है, एक आपका पार्ट मिलेगा चार्जेस के बारे में जो आपको ट्वेल्थ में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर देखो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन ये अभी आपको टेंथ लेवल पे नहीं पढ़ना। और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। कैसे होते हैं? रेस्ट में। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन करंट में चार्ज कैसे होते हैं? चार्ज जो होते हैं चार्ज इन मोशन। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले समझना है चार्ज। पहले भी हमने बताया था चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज निगेटिव। पॉजिटिव का एग्जांपल बताओ बेटा कौन कौन सा है? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपने पहली बार सुना होगा क्लास नाइन्थ में, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है रदरफोर्ड का? उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अल्फा रे जैसे पास कराई जाती थी, उसमें से ज्यादातर अल्फा रे कैसे चली जाती थी? सीधी, ठीक। लेकिन कुछ क्या हो जाती थी? अपनी जगह से क्या हो जाती थी? डाइवर्ट हो जाती थी कुछ। और उनमें से 18,000 में से एक कैसे आ जाती थी? वापस आ जाती थी, याद आ रहा है? ये क्लास नाइन में वहां पे आपने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो वही अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। निगेटिव में कौन होता है? अभी अल्फा के बारे में और थोड़ा डिटेल दे देते हैं। निगेटिव में कौन होता है? बीटा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, इतना तो सभी जानते हैं, ठीक। अब देखो जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल का मास ये जो होता है 4 times मास ऑफ प्रोटॉन होता है। कोई जरूरत है नहीं, बस नॉलेज के लिए आप जान ले बस। और जो चार्ज ऑन अल्फा होता है वो क्या होता है? 2 times ऑफ प्रोटॉन होता है, 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये कोई मतलब नहीं है, बस हम तुम्हें अल्फा पार्टिकल के बारे में बता रहे थे। ऐसे पार्टिकल जो प्रोटॉन से कितने टाइम्स होंगे? 4 times मास में होंगे, वो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा प्रोटॉन का कितना टाइम्स होगा? 2 times, बस। आ रही बात समझ में? इसके बाद देखो चार्ज ये दो टाइप के हैं, एक अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है और जो बीटा पार्टिकल जो निगेटिव है, ठीक। इतनी बात क्लियर है? इतना जल्दी नोट करो। शॉर्ट में जल्दी नोट करो, बाकी फिर नोट कर लेना आप घर पे, कि सभी लोग एक बार नोट कर चुके हैं। चार्जेस में शॉर्ट में नोट कर लो जल्दी से, जो लोग न्यू हैं वो नोट कर लें। कर लो जल्दी शॉर्ट में, सभी लोग करना चाहे सभी लोग कर लें। इसके बाद जो आपका रियल फिजिक्स है जो आपके पेपर में आता है वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। लिख लिया? जल्दी लिखो बेटा, लिखने का समय नहीं देंगे हम, शॉर्ट हैंड जल्दी जितना लिख पाओ लिख लो, क्योंकि नोट्स अगर चाहिए तो ये लोगों ने पहले से लिखे हैं वो नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। हम समझाना चाह रहे बस अभी आज। इसके बाद देखो बेटा ये जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 types अल्फा पार्टिकल, मैं बस नॉलेज के लिए बताया हूँ, कोई जरूरी नहीं है आप याद करो, आपके पार्ट में नहीं है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। यहां पे देखें हमारे पास 2 conductor हैं। पहले करंट को रियल लाइफ से रिलेट करें, हमारे पास 2 conductor हैं। फर्स्ट कंडक्टर कोई भी मेटल है, दूसरा कंडक्टर। इसमें जो है 10 electrons per second मूव करते हैं, 1 second में इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 electrons। जो दूसरा कंडक्टर है बी, इसमें से इस एरिया से 100 electrons per second मूव करते हैं।
तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, ए या बी में? बी में। बी में एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? 100। तो इसकी करंट ज्यादा, पहले वाले की करंट कम। तो क्या समझ में आया? जिसमें ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करें उसकी करंट ज्यादा। तो अगर हमें करंट की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारे चार्ज हैं वो कितनी तेजी से चल रहे हैं। इसमें ज्यादा तेजी से चल रहे थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में मूव कर रहे थे, इसमें कम इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में मूव करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? करंट। करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई आई। किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो कितना होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। वॉट इज क्यू? क्यू इज अ चार्ज। वॉट इज टी? टी इज अ टाइम। वॉट इज आई? आई इज अ करेंट। आ रही बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद देखें करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, जरा यहीं से देख के बताओ। चार्ज, हाँ चार्ज की यूनिट हमने नहीं बताई। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, याद करना ही नहीं, कूलम पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? या फिर इसी को, कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ठीक है। इसके बाद देखो ये किससे मेजर करेंगे, जैसे आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हो मीटर लगा होता तो किससे मेजर करते हैं? यूनिट, किलोवाट आवर, इतने यूनिट बिजली जलाई। इसी तरह करंट किससे मेजर करेंगे? इट इज मेजर्ड बाई अमीटर, ठीक है। और जो अमीटर का सिंबल होता है बेटा वो ऐसे होता है, एक सर्किल और बीच में क्या लगा होगा? ए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, ठीक है। और अमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? सीरीज में। अभी इसका मतलब बताते हैं। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। इसका मतलब देखो क्या है, अगर हमारे पास यहां पे कोई भी बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद बैटरी लगा दिया हमने, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी में जो करंट है पता है किधर से किधर जाती है? एक पॉइंट ये भी नोट करना है, इन बैटरी करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये पॉइंट समझ में आया? अभी बताते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल कौन होता है? जो बड़ी डंडी होती है उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जो छोटी होती है उसे निगेटिव से, ठीक है। तो करंट पॉजिटिव से बाहर जाएगी और निगेटिव से अंदर जाएगी। आ रही बात समझ में? मैंने इसके पहले एक लाइन लिखी है, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सर्किट। अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। इसका मतलब ये है जैसे ही बल्ब खत्म होगा उसी के बाद हम क्या लगा देंगे? दूसरा अमीटर। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है? एक खत्म हो उसी के बाद दूसरा, दूसरा खत्म हो उसी के बाद तीसरा, तीसरा खत्म हो उसी के बाद चौथा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अमीटर जो करंट मेजर करता है उसको अगर हमें लगाना है तो कैसे लगाना पड़ेगा सर्किट में? सीरीज। सीरीज का मतलब भी समझ में आ गया, जैसे खत्म हो उसी के बाद। ये पॉइंट क्लियर है। यहां पे एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है? जिस तरफ करंट फ्लो करती है ना उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताएं तो ऐसे बनेगा, करंट अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किसके अपोजिट की तरफ। यहां पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर कौन आएंगे अट्रैक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, करंट पॉजिटिव से बाहर, ठीक है, करंट इस तरफ। यहां पे कोई डाउट किसी को नहीं है तो नोट कर लो जल्दी से। जल्दी लिखो बेटा। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप ये कोई प्लग है, यहां से आप कुछ लगा लें, एक बल्ब जोड़ दें ऐसे, तो उसका सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक सिंबल के थ्रू हम डायग्राम जो शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो यहां पे देखो अमीटर बनाया नहीं है, ड्राइंग नहीं की है, ये अमीटर का सिंबल बना हुआ है। यहां पे बैटरी नहीं लगाई, सिंबल यूज किया है बैटरी का, यहां बल्ब नहीं लगाया, बल्ब का सिंबल यूज किया। तो सिंबल से जो पूरा सर्किट बनता है उसे क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे, चलो नोट हो गया, लिखो जल्दी शॉर्ट में। कुछ पॉइंट्स हैं सारे करंट के बारे में, करंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है आपके आपके लेवल पे। इसके ऊपर जाएंगे तो और भी चीजें मिलेंगी। क्लियर आ रहा है इसमें तक? पीछे से ना फिक्स करते हैं, आज कंफर्म कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखिए बेटा, एक पॉइंट और रह गया है स्टार्टिंग में, चार्ज में हमें पढ़ना चाहिए था, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बेसिकली प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का टॉपिक है, वहां से रह गया है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। निगेटिव, निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिपेल। आपको दिख रहा है पहली प्रॉपर्टी में लाइक चार्ज, लाइक में सेम, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरा देखें, अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बोलेंगे इसे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये प्रॉपर्टी है। और ये जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना, वो किसने बताया था, कूलम्स ने बताया था। इस बारे में पूछना नहीं, मैं बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। जो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला फोर्स होगा ना, वो एक कांस्टेंट के, Q1 Q2 पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। जैसा ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था, एक कांस्टेंट M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी तरह चार्ज वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसने दिया था, कूलम्स ने दिया था, इसको कूलम्स फोर्स बोलते हैं। ये भी आपके पार्ट का नहीं बस नॉलेज, लेकिन हाँ ऊपर वाला जो दिखा है ये वाला पार्ट में है। दूसरी प्रॉपर्टी देखे, तीसरी, चार्ज आर कंजर्व, चार्ज आर कंजर्व, चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात ये सुने यहां पर, ये अगर हम चार्ज आर कंजर्व बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहां पे एक चीज लिख लीजिए, बट
ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे कि मैंने यहां पे बोल दिया चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी आप एक स्केल ले और एक पेपर ले, उसको रफ करें और उसे जैसे ही आप टच करेंगे तो वो जो पेपर है वो चिपक जाता है, अट्रैक्ट होता है उससे। क्यों? क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक में क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। हमने तो बोला चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, या चार्ज अगर बन नहीं सकते तो स्केल में चार्ज कैसे आ गए, वो तो क्रिएट हो गए ना। नहीं, चार्ज देखो आप किसी भी बॉडी को क्या समझते हो, कोई भी बॉडी होती है उसमें चार्ज जरूर होता है। देखो कैसे चार्ज आया उसमें, जैसे हमारे हेयर्स हैं जो हमारी स्केल है उसमें चार्ज पहले से थे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये स्केल है हमारे पास, इस पे 50 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 50 प्रोटॉन पहले से थे, तो बताओ इसमें चार्ज कितना, जितने प्लस उतने माइनस, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब इसको हमने किसी चीज से रफ किया तो हुआ क्या, ऐसा मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 10 प्रोटॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। जब किसी चीज से रफ करते हैं तो 10 प्रोटॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो यहां बताओ कितने बचे नेक्स्ट केस में, 50 इलेक्ट्रॉन और 40 प्रोटॉन। अब बताओ इसमें चार्ज आया कि नहीं आया, कितना, माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। किस कितने का आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता, माइनस, वो ऑटोमेटिक माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया इस पे, 10 इलेक्ट्रॉन का। तो कहीं चार्ज क्या बन गए क्या, चार्ज तो पहले से थे ना, ट्रांसफर की वजह से इसमें चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है। ये वाला कंजर्व का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, उसको बनाया नहीं जा सकता। पता चले इसमें कुछ नहीं था, इसमें मान लो कितने थे, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, मैंने कुछ नहीं किया, और इसमें कभी 51 प्रोटॉन नहीं हो सकते जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा। ये मतलब था चार्ज आर कंजर्व। ये बात समझ में आई कि नहीं, चार्ज को बनाया और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी ट्रांसफर की वजह से एक बॉडी और दूसरी बॉडी में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, या फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज अ सेकेंड, थर्ड। इससे क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पेपर में, एक दो बार आया भी है, जल्द ही आया है। थर्ड जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। थर्ड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब देखो बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये है, अगर हमारे एक बॉडी में चार्ज है तो या तो वन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, और भी बहुत सारे एन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। लेकिन कभी भी चार्ज 1/2 इलेक्ट्रॉन का, 5/6 इलेक्ट्रॉन का, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हाँ बताया था आगे जब ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वो क्वार्क एंटी क्वार्क की बात हो गई बेटा, ठीक है। वहां पे अभी आपके लेवल पे नहीं तो हम बताना नहीं चाहते, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजों को भी आगे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल, उसमें क्वार्क होते हैं, एंटी क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क होते हैं, डाउन क्वार्क होते हैं। तो वो 3/2 प्लस का इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन और 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्ज होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अभी आपके लेवल पे नहीं है तो इसको अभी थोड़ी देर बाहर रखे सिलेबस के, अभी ये चीज ना मानिएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो कितना होगा, जो चार्ज किससे डिनोट करते, क्यू, एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का, तीन इलेक्ट्रॉन का, चार इलेक्ट्रॉन का, या फिर एन इलेक्ट्रॉन का। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या लिख दें, एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। ये n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n, q बराबर n e। कोई दिक्कत यहां पे?
जो हमारे किसी भी चीज में चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद होल नंबर। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, होल नंबर का इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर इसमें डेफिनेशन लिखनी है तो अभी नोट कर लीजिएगा, बाकी बाद में, ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। ये प्रॉपर्टी, हाँ एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज आर एडिटिव, चार्ज आर एडिटिव। ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली क्वांटाइजेशन वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आया भी है। चार्ज आर एडिटिव का मतलब देखो बेटा, अगर हम बोले इस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, बताओ कितना चार्ज है, 7। 7 क्या पॉजिटिव की निगेटिव, क्यों, 10 इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है और ये 3 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो यहां से एक चीज ये समझना, आपने कैसे इसको फाइंड कर दिया, ऐड कर दिया, आपने 10 माइनस का लिया और 3 प्लस का लिया, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव, तो कितना आ गया, माइनस का 7, ऐसे ही तो निकालियो, तो चार्ज को जोड़ दिया कि नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो इसी को बोलते चार्ज आर एडिटिव, चार्ज को इजिली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। चल रहा है नंबर, चल रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग, बीच बीच में बंद हो जाए तो देखे रहना। प्लग नहीं है, नहीं उसकी वजह से नहीं बेटा, उसकी वजह से वो पीछे वो दिख रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन सीधा ऐसे जा रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन लगाओ ना, वहां से लाइट आ रही है, यहां से पढ़ने के बाद फिर मोबाइल में जा रही है। जल्दी नोट करो, नहीं तो फिर इनकी कॉपी है, इन लोगों ने नोट किया है, नोट कर लेना, जल्दी जल्दी करो। हो गया, नेक्स्ट देखे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर सुनो, इधर पहले पोटेंशियल देखेंगे, और रियल लाइफ में पोटेंशियल बेसिकली नहीं होता है, होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो पहले पोटेंशियल देखेंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी से। ठीक है, इधर सुनो, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है स्मॉल क्यू, दोनों पॉजिटिव हैं, बताओ कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक चार्ज प्लस क्यू यहां पे रखा हुआ है, एक तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, तो बताओ फोर्स लगेगा दोनों में, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी रेंज के बाहर हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि इसकी रेंज केवल यहीं तक है, ऐसा हम मान लेते हैं, इसकी जो फील्ड है वो यहीं तक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है चार्ज के चारों तरफ का, जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस चार्ज के चारों तरफ का जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बताओ, अगर ये यहां पे था तो ये इसकी फील्ड के अंदर था कि नहीं, लेकिन अगर ये यहां हो जाए तो क्या इसकी फील्ड के अंदर है, नहीं।
तो ये इसके लिए कैसा हो गया, इनफाइनाइट। कहां पे रखा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए इनफाइनाइट हो गया क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। अब देखो हमें करना क्या है, पोटेंशियल समझने के लिए इस चार्ज को लेके आना है, कहां लेके आना है, इसकी फील्ड के अंदर, इसकी रेंज के अंदर। किस चार्ज के? इसकी। तो ऐसे तो आ नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा हमने मान लिया, इस पे मैंने कितना वर्क किया, W वर्क किया। कितना वर्क किया? W। तो जितना हमने इस चार्ज टेस्ट चार्ज पे काम किया, यूनिट चार्ज पे काम किया, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक, यहां पे जरा हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज, बाकी लोग नोट कर लो तुरंत, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब रेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन। इधर सुनो, अभी फिर नोट करना, इधर सुनो सब, इसको किससे डिनोट करते हैं, V से। V बराबर जो फार्मूला होता है ना बेटा, W बाई क्यू नॉट, ये वाला चार्ज नहीं, जिसको लेके आ रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो वाला चार्ज। ठीक है, V बराबर W बाई क्यू नॉट। वर्क किस में मेजर करते हो? वोल्ट में मेजर करते हो वर्क। वर्क जो है जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज की यूनिट अभी क्या बताई थोड़ी देर पहले, कूलम। चार्ज किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो, इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम, इट्स यूनिट इज जूल पर, हाँ किसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, एसआई ही है ये, क्यों एसआई है रुको हम बताते हैं, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे, वोल्ट। देखो बेटा, एसआई, सीजीएस और एफपीएस तीन तरह की यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होती, एसआई जिसको एमकेएस भी बोलते हैं, एसआई को क्या बोलते हैं, एमकेएस, सीजीएस होती है नेक्स्ट, और थर्ड जो होती है एफपीएस। ये एसआई का मतलब है जो हम लेंथ नापेंगे वो किस में नापेंगे, मीटर में, जो वेट नापेंगे या फिर जो मास नापेंगे वो किलोग्राम, और जो टाइम नापेंगे वो सेकेंड। तो वो कैसी यूनिट होती, एसआई। यहाँ पे भी सब चीजें तो वही कर रहे हैं, ठीक है। और सीजीएस में जो लेंथ नापेंगे वो सेंटीमीटर, जो वेट मास नापेंगे वो ग्राम, और जो टाइम नापेंगे वो सेकेंड। और जो थर्ड है वो एफपीएस, जो हम लेंथ नापेंगे वो फुट, फुट जानते हो ना, एक फुट। ठीक, जो मास है वो किस में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, पाउंड भी जानते हो, ठीक है। और जो टाइम नापेंगे वो सेकेंड। तो यहाँ पे हम सभी चीजें किस में मेजर कर रहे हैं, एमकेएस में, ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। सेवन फंडामेंटल होती है, वो बाद में बताएंगे, इलेवेंथ क्लास में है। सात तरह की, दुनिया में केवल सात तरह की ही क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, मोल और कैंडेला, लाइट की इंटेंसिटी। ठीक, उसको सीडी बोल देते हैं, कैंडेला। ठीक, तो ये बस सेवन टाइप की ही है फंडामेंटल, बाकी नहीं है, बाकी सब डिराइव्ड हैं। इस जूल को चाहो तो तुम इन सेवन फंडामेंटल में तोड़ सकते हो इसको, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, इलेवेंथ क्लास में, अभी नहीं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। आ रही बात समझ में? ठीक, इसका फार्मूला भी हो गया। मुझे ये बताओ नेक्स्ट पॉइंट, ये किससे मेजर करते हैं, इसको मेजर करने की जो डिवाइस होती है, इट इज मेजर बाय वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर का सिंबल बेटा नीचे ही बनाए दे रहे, देखो यहां पे क्या लिखा होगा, वी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वी। नेक्स्ट देखो, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर के बाद और क्या, ये कैसा कनेक्शन होता है, अगर सर्किट में मुझे वोल्टेज निकालना है तो कैसे जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर लास्ट टाइम ही यही क्वेश्चन आया था, वोल्ट मीटर आपको जोड़ना है और कैसे जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में। वोल्ट मीटर ऑलवेज
connected in parallel with सर्किट। एक क्वेश्चन, एक सर्किट बना के देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारी कौन हो गई? बैटरी। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पे कोई भी बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के साथ इस बल्ब का मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। यहाँ पे क्या लगा दें? वोल्ट मीटर लगा दें इसे, ठीक है। करंट किधर से किधर जाएगी? पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट जाएगी ऐसे और ऐसे वापस आएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, ठीक। नोट करो जल्दी, और कोई पॉइंट रह रहा? हो गया, नोट करो। वोल्ट मीटर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पेपर है क्या बेटा आप लोग का? हाँ पेपर है। कितना टाइम है? रुक जाओ, इतना 12 से ज़्यादा हो गया है अभी। एग्जैक्ट टाइम बताओ। 12 हुआ है। रुक जाओ 5-10 मिनट में हम लीव कर देते, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें केवल क्या है?